देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक, नए सिरे से परिसीमन पर विचार। मायावती के बाद अखिलेश ने भी पकड़ी एकला चलो की राह। अजीत डोभाल की नियुक्ति पर यशवंत सिन्हा का सवाल, 74 पार फिर भी मंत्री का दर्जा। कांग्रेस एमएलए पर 50 लाख में लड़की खरीद कर रेप करने का आरोप, चलेगा केस। टेरर फंडिंग केस में मशरत समेत 3 अलगाववादी नेताओं से पूछताछ करेगी एनआईए। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में पदभार संभाला। गृह मंत्री अमित शाह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ की बैठक। शब्बीर शाह और आसिया अंद्राबी को भी 10 दिन की एनआईए हिरासत। केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने संभाला समाज के न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का कार्यभार। पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार का भी कांग्रेस से इस्तीफा, बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। कल विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल का कराया मुंह मीठा, अगले ही दिन ठोक दिया मानहानि का केस। अदालत परिसर में वकीलों ने सिपाही को पीटा, वर्दी भी फाड़ डाली। फ्री सफर का ऐलान करते ही ट्रोल हुए केजरीवाल, एक ने कहा महिलाओं को भिखारी समझा है क्या। ईद पर गुलजार है मोदी स्टाइल कुर्ते का बाजार, साथ में चूड़ीदार पाजामा बना पहली पसंद। नारी शक्ति को सुरक्षा चाहिए, फ्री मेट्रो राइड नहीं, केजरीवाल की घोषणा पर महिलाओं ने उठाए सवाल। सीएम केजरीवाल की तस्वीर पर परेश रावल का कमेंट, ऐसा काम तो कोई मेहनती ही कर सकता है। केजरीवाल पूर्व मंत्री के खिलाफ चार्जशीट फाइल करने की नहीं दे रहे इजाजत, दुष्कर्म का है आरोप। लू का कहर जारी, अगले 3 दिनों तक येलो अलर्ट, फिर हल्की बारिश के आसार। रोगी के पास पेशाब करने से रोका तो इलाके के बदमाश को पीट पीट कर मार डाला। ड्यू दाखिला, गैप ईयर वाले विद्यार्थी भी कर सकते हैं आवेदन। दिल्ली एनसीआर मेट्रोपॉलिटन में आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।